नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज है 17 अप्रैल और आज की जो 7 बड़ी भर्ती है उसके बारे में इस वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल्स में बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की 7 बड़ी भर्ती के बारे में आपको पूरा डिटेल्स में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। सबसे पहले दोस्तों, ये जो वैकेंसी आया है वैकेंसी आपका ऑल ओवर इंडिया से आया है, यानी कि अगर आप किसी भी राज्य से हो, महिला पुरुष दोनों यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप 8वीं पास, 10वीं पास, 12वीं पास, ITI डिग्री या तो फिर डिप्लोमा लिए है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे कुछ वैकेंसी ऐसा है जहाँ पे कोई भी एग्जाम नहीं होगा, कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा, सीधा मेरिट के बेसिस पे भर्ती होगा। और कुछ वैकेंसी ऐसा है दोस्तों जहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं है। तो इस वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल्स में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे आज की 7 बड़ी भर्ती के बारे में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। और अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो वीडियो के नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई देगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए कि मैं जैसे ही नया वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, मैं डिस्क्रिप्शन पर हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर आपको डेली के डेली बेसिस पे गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड अपडेट मिलता रहेगा। दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए डेली के डेली बेसिस पर ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड अपडेट लेके आता हूँ। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए कि मैं जैसे ही नया वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज का जो पहला वैकेंसी यहाँ पे आप देख सकते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आया है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स असिस्टेंट कमांडेंट BSF, CRPF, CISF, ITBP, SSB के लिए वैकेंसी है। यहाँ पे वेरियस पोस्ट के लिए वैकेंसी है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट डिग्री रखा गया है, एज लिमिट 21 से लेकर 25 साल। एप्लीकेशन फी की दोस्तों अगर हम बात करें, जनरल OBC के लिए ₹200 और SC ST फीमेल एंड PWD कैंडिडेट के लिए कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं है। आपको पेमेंट करना पड़ेगा थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या तो फिर नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हो। सिलेक्शन आपका रिटन टेस्ट और फिजिकल टेस्ट और इंटरव्यू के थ्रू होगा। यहाँ पे फिजिकल फिटनेस जो रखा गया दोस्तों, यहाँ पे हाइट मेल के लिए 165 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। चेस्ट की अगर दोस्तों बात करें, यहाँ पे 81 सेंटीमीटर और मिनिमम 5 सेंटीमीटर जो है वो एक्सपेंशन आपको करना होगा। वेट की अगर हम बात करें, मेल के लिए 50 kg और फीमेल के लिए 46 kg। 100 मीटर रेस होगा मेल के लिए 16 सेकंड एंड फीमेल के लिए 18 सेकंड। यहाँ पे दोस्तों 800 मीटर रेस होगा मेल के लिए 3 मिनट और दोस्तों 3 मिनट 45 सेकंड और फीमेल के लिए 4 मिनट 45 सेकंड। लॉन्ग जंप होगा मेल के लिए 3.5 मीटर 3 चांस में और फीमेल के लिए 3 मीटर 3 चांस में। उसके बाद शॉर्ट पुट होगा 7.26 kg ओनली फॉर मेल और 7.5 मीटर। उसके बाद अप्लाई मोड जो है ऑनलाइन है, जॉब लिस्ट आपको हो जाएगा ऑल इंडिया में। लास्ट डेट रखा गया दोस्तों यहाँ पे अप्लाई करने का 5 मई को रखा गया है। अगर आप फुल नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्टली आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट जो वैकेंसी आया दोस्तों, इंडियन स्टेट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आया है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर, परचेस एंड स्टोर ऑफिसर। यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करें, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी वेरियस है। पे स्केल आपका लेवल 10 की सबसे हो जाएगा। क्वालिफिकेशन MBA और पोस्ट की जो डिग्री रखा गया है। एज लिमिट की अगर हम बात करें, 35 साल रखा गया है। फॉर UR OBC EWS के लिए ₹250 एप्लीकेशन फी। और यहाँ पे दोस्तों SC ST वोमेन कैंडिडेट और PWD एक्स वोमेन कैंडिडेट के लिए कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं है। आपको पेमेंट करना पड़ेगा तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या तो फिर नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हो। सिलेक्शन आपका रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के थ्रू होगा। अप्लाई मोड ऑनलाइन है। जॉब लिस्ट आपको हो जाएगा ऑल इंडिया में। लास्ट डेट अप्लाई करने के रखा गया 21 अप्रैल को। नेक्स्ट जो वैकेंसी आया दोस्तों, यहाँ पे नगर निगम रिक्रूटमेंट की तरफ से आया है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से। वार्ड बॉय, IR, स्टाफ नर्स, मेडिकल ऑफिसर, असिस्टेंट इंजीनियर, सीनियर रेसिडेंट, क्लिनिकल इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ टेक्नीशियन, रेडियोग्राफी टेक्नीशियन, टोटल 1376 पोस्ट है। वार्ड बॉय के लिए 315, आया के लिए 368, स्टाफ नर्स के लिए 430, मेडिकल ऑफिसर के लिए 221, असिस्टेंट इंजीनियर के लिए 18, सीनियर असिस्टेंट क्लिनिकल के लिए 13, इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफी टेक्नीशियन के लिए 7 और रेडियोग्राफी टेक्नीशियन के लिए 4। पे स्केल आपका हो जाएगा वार्ड बॉय के लिए 10,000, आया के लिए 10,000, स्टाफ नर्स के लिए 17,000, मेडिकल ऑफिसर के लिए 50,000, असिस्टेंट इंजीनियर के लिए 30,000, सीनियर रेसिडेंट क्लिनिक के लिए 55,000 और इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफी टेक्नीशियन के लिए 25,000, रेडियोग्राफी टेक्नीशियन के लिए 35,000। क्वालिफिकेशन यहाँ पे 10वीं पास 12वीं पास, ग्रेजुएट, MBBS और भी जितना सारा पोस्ट है उसके हिसाब से यहाँ पे क्वालिफिकेशन रखा गया, आप चेक कर सकते हो। एज लिमिट यहाँ पे मिनिमम है 18 साल रखा गया है। कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं है। सिलेक्शन आपका इंटरव्यू के थ्रू होगा, कोई भी एग्जाम नहीं होगा। अप्लाई मोड ऑफलाइन है। जॉब लिस्ट आपको जाएगा गुजरात में। लास्ट दोस्तों यहाँ पे 20 अप्रैल को रखा गया है। नेक्स्ट जो वैकेंसी आया दोस्तों, यहाँ पे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर, आयुष और आपका लेबोरेटरी टेक्नीशियन पोस्ट के लिए वैकेंसी है। टोटल नंबर वैकेंसी 244 है। मिनिमम एज 18 साल। कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं है। सिलेक्शन आपका इंटरव्यू के थ्रू होगा, कोई भी एग्जाम नहीं होगा। यहाँ पे लास्ट जो रखा गया है 20 अप्रैल को रखा गया है। नेक्स्ट वैकेंसी आया दोस्तों, यहाँ पे आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग रिसर्च की तरफ से। यहाँ पे दोस्तों सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, सीनियर प्रोडक्शन असिस्टेंट टेक्नीशियन, स्टेट असिस्टेंट पोस्ट के लिए वैकेंसी है। पे स्केल आपका हो जाएगा एज पर पोस्ट के हिसाब से। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग यहाँ पे स्केल दी गई है।
क्वालिफिकेशन डिग्री और डिप्लोमा रखा गया है। एज लिमिट 35 साल 45 साल रखा गया है। एप्लीकेशन फी की दोस्तों अगर हम बात करें यू आर ओ बी सी और ई डब्ल्यू एस के लिए 750 रुपये, फीमेल एस सी एस टी पीडब्ल्यू के लिए कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं है। सिलेक्शन आपका रिटर्न एग्जाम और टेट टेस्ट के थ्रू होगा। अप्लाई मोड ऑनलाइन है। जॉब लोकेशन आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। लास्ट डेट रखा गया अप्लाई करने को आपका 10 मई को रखा गया है। नेक्स्ट जो वैकेंसी आया दोस्तों यहाँ पे आपको कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड की तरफ से आया है। यहाँ पे काफी सारा पोस्ट के लिए वैकेंसी है। सीनियर अकाउंट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंटेंट, असिस्टेंट सेल ऑफिसर और भी काफी सारा पोस्ट के लिए वैकेंसी है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 227 है। पे स्केल आपका एज पर पोस्ट के हिसाब से हो जाएगा। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग पे स्केल। यहाँ पे क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट बी कॉम एम कॉम और बी एस सी रखा गया है। एज लिमिट 18 से लेकर 37 साल। यहाँ पे एप्लीकेशन फी की अगर हम बात करें एस सी एस टी पी एच कैंडिडेट के लिए 600 रुपये और ऑल अदर कैटेगरी के लिए 1200 रुपये। पेमेंट आपको करना पड़ेगा तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या तो फिर नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हो। सिलेक्शन आपका रिटर्न एग्जाम ऑनलाइन टेस्ट के थ्रू होगा। अप्लाई मोड यहाँ पे ऑनलाइन है। जॉब लोकेशन आपको हो जाएगा पंजाब में। लास्ट डेट की अगर हम बात करें यहाँ पे 20 अप्रैल को रखा गया है। लास्ट डेट फॉर अप्लाई फी पेमेंट वो आपका 23 अप्रैल को रखा गया है। नेक्स्ट जो वैकेंसी आया दोस्तों यहाँ पे आपका जम्मू एंड कश्मीर सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से आया है। यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट ड्राइवर, जूनियर स्टाफ नर्स, जूनियर ग्रेड नर्स और भी काफ़ी सारा पोस्ट के लिए वैकेंसी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 2311 है। इसके आपका एज पर पोस्ट के हिसाब से हो जाएगा। क्वालिफिकेशन 10वीं पास, 12वीं पास, डिग्री और डिप्लोमा रखा गया है। एज लिमिट दोस्तों यहाँ पे अदर कैटेगरी के लिए 40 साल और एस सी एस टी और भी अदर कैटेगरी के लिए 43 साल रखा गया है। फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट के लिए 42 साल और एक्सपीरियंस के लिए 48 साल रखा गया है। आपका यहाँ पे एप्लीकेशन फी 350 रुपये ऑल कैंडिडेट के लिए। पेमेंट आपको करना पड़ेगा तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या तो फिर नेट बैंकिंग के थ्रू। सिलेक्शन आपका रिटर्न एग्जाम के थ्रू होगा। अप्लाई मोड ऑनलाइन है। जॉब लोकेशन आपका हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर में। लास्ट डेट जो रखा गया अप्लाई करने का आपका 12 मई को रखा गया है। अगर आप फुल नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हो डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक मिल जाएगा। वहाँ से डायरेक्टली आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों ये था आज की 7 बड़ी वैकेंसी के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। और अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ऐसे ही पल पल के अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।